हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे आइडेंटिफाइंग इनपुट्स एंड आउटपुट्स की। तो देखिए, एल्गोरिथम क्या होता है वो हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस से पहले वाले लेक्चर में। फिर एल्गोरिथम कैसे बनाते हैं उसके एक दो एग्जांपल दे के हमने आपको बताए थे। अब उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है कि आप इनपुट और आउटपुट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आप आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाइंग इनपुट्स एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट। क्योंकि देखिए, स्टेप बाय, जब भी आप एल्गोरिथम बना रहे हैं उसके बाद आप प्रोग्रामिंग करेंगे, तो हर एक स्टेप आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज एक बार आप डेवलप कर लेंगे, लॉजिक में कोई प्रॉब्लम आएगी, डिजाइनिंग में प्रॉब्लम आएगी, तो उसको फाइंड आउट करना काफ़ी कंबरसम हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और दिक्कत आएगी। तो अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एल्गोरिथम डेवलपमेंट का कि इनपुट या एंड आउटपुट दोनों को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि द इनपुट्स टू ए प्रोग्राम मीन द डाटा टू बी गिवन टू द प्रोग्राम थ्रू इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस एट्सेट्रा। मतलब हमें मान, देखिए इनपुट क्या होता है ये हम आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में पूरी सेपरेट वीडियोस पड़ी हुई है चैनल पे, ठीक है, इस चैनल पे अवेलेबल है, आप देखिएगा। कंप्यूटर साइंस सेक्शन में आप जाइए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में, वहाँ पे आपको इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, मेमोरी, मतलब कंप्यूटर के संबंध में जितनी भी पॉसिबल बेसिक चीज़ें हैं उन सबकी बीट, फ्लैश मेमोरी, आपका कैश, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, सबकी सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, आप जाइए उसको रिफर कीजिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं कि एल्गोरिथम जब हम डेवलप करने जा रहे हैं उसमें हम इनपुट और आउटपुट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, इनपुट डाटा हमको मालूम है कि इनपुट डाटा क्या होता है। इनपुट डाटा वो डाटा होता है जो किसी भी इनपुट डिवाइस से हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में। अब इनपुट डिवाइस क्या हो गई, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो सब आप देख लीजिएगा, ठीक। तो ये तो हो गया इनपुट डाटा। अब इसमें क्या, और आउटपुट क्या होता है, द आउटपुट ऑफ ए प्रोग्राम मीन्स द डेटा टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोग्राम टू द आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डाटा क्या होता है वो हमको मालूम है कि प्रोग्राम ने प्रोसेसिंग करके जो रिजल्ट निकाला है, तो जो डेटा हम आउटपुट डिवाइसेस को ट्रांसफर करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सा होता है, जैसे अगर आप इसकी बात करिए क्या नाम से वीडियो की, तो जैसे मॉनिटर हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, और भी तमाम आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक। तो जो डेटा प्रोग्राम आउटपुट डिवाइस को भेजता है वो आउटपुट डेटा हो गया। जो डेटा हम इनपुट करते हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले, जो प्रोग्राम को चाहिए होता है वो इनपुट डेटा हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि द इनपुट्स एंड आउटपुट्स हैव टू बी आइडेंटिफाइड एट बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेन एंड माइनर इनपुट एंड आउटपुट। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पहले ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि भाई मेन इनपुट कौन से हैं या आउटपुट कौन से हैं। देखिए, मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ, मेन और माइनर, इसमें आपको डिफरेंशिएट क्लियर होना चाहिए कि मेन इनपुट या आउटपुट कौन से हैं और माइनर इनपुट या आउटपुट कौन से हैं, पहली चीज ये मान लीजिए, फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि द अदर इम्पॉर्टेंट इश्यू इज टू डिसाइड एट विच पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम दे मे बी नीडेड। मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि प्रोग्राम के किस पार्ट में, कहाँ पे, मान लीजिए सपोज कीजिए हमारा प्रोग्राम जो है, से हमने कहा 10,000 लाइन्स का है। अब हमें मालूम है कि 4,000 लाइन के बाद, या अगर मॉड्यूल में हम बात करें, मान लीजिए हमारा प्रोग्राम जो है वो से 8 मॉड्यूल से बना हुआ है, एट, देर आर 8 मॉड्यूल, एंड इफ यू नो दैट द दिस डेटा विल बी रिक्वायर्ड इन थर्ड मॉड्यूल और इन 5th मॉड्यूल, तो हमको ये पता होना चाहिए कि इस डेटा की हमको कब ज़रूरत, हमको मतलब प्रोग्राम को कब ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें जो है आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं रिक्वायरमेंट, ऐसे लिख दिया हमने, एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक। अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हम लें कि द एल्गोरिथम ऑफ एग्जांपल जो अभी हमने
पिछले वाले वीडियो लेक्चर में एग्जाम्पल ली है कि जिसमें हम नंबर को इंटरचेंज कर रहे थे और ये सब कर रहे थे, तो उसमें क्या था कि द एल्गोरिथम ऑफ एग्जाम्पल वन, एक्स एंड वाई हैव बीन आइडेंटिफाइड एज मेन इनपुट एंड आउटपुट, वेयर एज द मैसेज टू बी डिस्प्लेड फॉर द यूजर इंटरेक्शन हैव बीन ओमिटेड, द मैसेज टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉम्प्ट्स। तो देखिए, यूजर के लिए जो मैसेज आता है, जैसे आपने कोई प्रोग्राम रन कराया, ठीक, तो एक तो तरीका ये है कि कर्सर ब्लिंक करने लगा। अब यूजर को कैसे पता चलेगा कि भाई हमें क्या करना है? दूसरा तरीका क्या है कि आपने प्रोग्राम रन कराया तो उस पर लिखा हुआ आ गया एंटर इनपुट डाटा, मतलब इनपुट डाटा एंटर कीजिए और तब कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो ये जो मैसेज होते हैं, ठीक है, दे आर माइनर मैसेजेस, दे कैन बी ओमिटेड बट दे आर इम्पॉर्टेंट। ये जो मैसेज होते हैं कि एंटर इनपुट डाटा, तो ये अगर आप नहीं भी देंगे तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप दे देंगे तो आपका प्रोग्राम और अच्छा बेटर डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद ये जो कर्सर आता है इसको क्या बोलते हैं? इसको तो कर्सर हम आपको रफ लैंग्वेज में बोल रहे हैं, टेक्निकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड प्रॉम्प्ट्स। अब इसमें क्या होता है कि द मॉडिफाइड एल्गोरिथम कंसिस्टिंग ऑफ बोथ मेन एंड माइनर इनपुट इज गिवन एज फॉलो। अब देखिए, पिछला आपने जिस भी स्टूडेंट ने वीडियो लेक्चर देखा हुआ है उसमें हमने एल्गोरिथम डेवलप की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इसके जस्ट पहले वाली वीडियो आप रिफर कर लीजिए, वहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने समझाई हुई है, उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ मॉडिफाई करके लिख रहे हैं विद विद आपके माइनर इनपुट एंड आउटपुट ऑल्सो। वहां पे हमने केवल मेजर इनपुट और मेजर आउटपुट लिया था, दो नंबर को एडिशन कराया था, सॉरी, दो नंबर को इनपुट कराया था, उनकी वैल्यू को इंटरचेंज कराया था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम साथ साथ मैसेज भी देंगे। तो क्या होगा कि इसको अगर हम मॉडिफाइड एल्गोरिथम उसी प्रॉब्लम की लिखे, उसमें क्या था, हम लोगों ने नंबरों को, देखिए हम बता भी दे रहे हैं क्या था कि उसमें दो वैल्यूज थी, मान लीजिए एक्स और वाई, ठीक है, इनमें जो भी वैल्यू थी, सपोज कीजिए इसमें 30 है, इसमें 45 है, रिजल्ट हमको क्या चाहिए था, वैल्यू इंटरचेंज चाहिए थी, इसमें 45 चाहिए था और इसमें 30 चाहिए था, ये प्रॉब्लम थी। तो इसकी जो हम मॉडिफाइड एल्गोरिथम लिखेंगे, पिछली वीडियो जरूर रिफर कर लीजिएगा, नहीं तो अभी जो अब जो बताने जा रहा हूँ वो आप कंफ्यूज जाएंगे कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, मॉडिफाइड एल्गोरिथम, तो इसमें क्या होगा, हम स्टेप वाइज लिखते हैं एल्गोरिथम। स्टेप वन में हमने क्या किया, स्टेप वन में हम सबसे पहले एक मैसेज देंगे, वही जो अभी हम बात कर रहे थे, आप तो प्रॉम्प्ट आएगा, क्या प्रॉम्प्ट में क्या लिखा होगा, एंटर टू इंटीजर वैल्यू, तो प्रॉम्प्ट में लिखा होगा एंटर टू इंटीजर वैल्यूज। तो ये मैसेज स्क्रीन पे दिखेगा यूजर को कि दो इंटीजर वैल्यू एंटर कीजिए। ठीक, तो यूजर क्या करेगा, स्टेप टू में आ जाइए, यूजर ने एंटर कर दिया तो ये क्या होगा, रीड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक, फिर स्टेप, अब ये रीड कर लिया मतलब वैल्यू आ गई प्रोग्राम के पास। स्टेप थ्री में क्या होगा, सेव द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स इन टेम्प वेरिएबल, तो सेव द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स इन द टेम्प वेरिएबल, जो हमने एक इंटरमीडिएटली वेरिएबल लिया था उसमें सेव कर दिया एक्स की वैल्यू को। ठीक, अब स्टेप फोर में आ जाइए, स्टेप फोर में क्या होगा, मूव द इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई इन टू एक्स, वाई की वैल्यू को मूव द इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई इंटू एक्स। स्टेप फाइव में क्या होगा, जो टेम्प में वैल्यू डाली थी उसको वाई में मूव करा दीजिए, मूव टेम्प टू वाई। अब ये आपका काम पूरा हो गया, तो अब आप यहां पे फिर प्रॉम्प्ट मैसेज दीजिए, ये प्रॉम्प्ट आएगा लिखा हुआ, क्या आएगा, द एक्सचेंज वैल्यूज आर, द
एक्सचेंज वैल्यूज आर। स्टेप 7 में डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आठवें नंबर पे आ जाइए आप, स्टेप 8 में क्या हो जाएगा, एल्गोरिथम संपन्न हो जाएगी, तो इसको आप लिख दीजिए स्टॉप। तो ये देखिए इसमें क्या दिखा रहा है कि आफ्टर आइडेंटिफाइंग द इनपुट्स एंड आउटपुट्स वी कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। समझ रहे हैं, जब हम इनपुट या आउट इनपुट और आउटपुट को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो कुछ हम एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन कौन सी, जैसे अगर हम इनपुट स्पेसिफिकेशन की बात करें, इनपुट स्पेसिफिकेशंस, तो पहला हम क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी, इन व्हाट ऑर्डर एंड फॉर्मेट द इनपुट वैल्यूज विल बी रेड, किस ऑर्डर में और किस फॉर्मेट में इनपुट वैल्यू रीड होगी। सेकंड क्या है, व्हाट आर द लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ द इनपुट वैल्यूज, मतलब इनपुट वैल्यू को हम किस रेंज में दे सकते हैं, मिनिमम क्या दे सकते हैं, मैक्सिमम क्या दे सकते हैं। और थर्ड है आपका कि वेन टू नो दैट देयर इज नो मोर इनपुट टू बी रेड, मतलब ये कैसे पता चलेगा कि अब सारे इनपुट एंटर हो चुके हैं, अब कोई इनपुट रीड करने के लिए नहीं बचा है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर हम आउटपुट स्पेसिफिकेशन की बात करें, आउटपुट स्पेसिफिकेशंस, आउटपुट के बारे में हमको क्या क्या पता चल जाएगा, पहला पहला तो वही रहेगा कि किस ऑर्डर में किस फॉर्मेट में आउटपुट प्रोड्यूस होगा। सेकेंड, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यूज टू बी प्रोड्यूस्ड विद व्हाट स्पेसिंग, डेसिमल स्पेसिंग एंड सिग्निफिकेंट डिजिट। और तीसरा, व्हाट मेन हेडिंग एंड कॉलम्स हेडिंग्स टू बी प्रिंटेड ऑन द पेज। तो ये जो अभी मैंने इसको लिखा नहीं है, लिखने में टाइम वेस्ट होगा, आपने इसको ओरली नोट कर लिया होगा कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन इनपुट के बारे में और आउटपुट के बारे में हमको मिल जाती है अगर हम जब इनपुट और आउटपुट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा कि इनपुट और आउटपुट को आइडेंटिफाई करना क्यों इतना ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनपुट और आउटपुट को आइडेंटिफाई करने के बाद जो हमने अभी एल्गोरिथम लिखी है, मॉडिफाइड एल्गोरिथम, वो जब रन करेगा उस तो यूज़र के लिए उस प्रोग्राम को यूज़ करना, उसको किस तरह की वैल्यूज़ देनी है, उसको किस तरह का रिजल्ट मिल रहा है, वो सारी चीज़ें समझना आसान हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।